परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद सुबह सुबह राजधानी भोपाल में स्कूल बसों का रियलिटी चेक किया। इस दौरान मंत्री जी के अचानक औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। मंत्री जी को अपने रियलिटी चेक के दौरान स्कूल बसों में काफी कमियां नजर आई, जिसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश भी दे दिए हैं और कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। एक्शन में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, स्कूल बसों का किया रियलिटी चेक। भोपाल की सड़कों पर स्कूल बसों को चेक करने उतरे मंत्री जी। मंत्री जी के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। ये है मध्य प्रदेश शासन के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जो सुबह सुबह ट्रैक सूट में मॉर्निंग वॉक पर नहीं बल्कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए राजधानी की सड़कों पर स्कूल बसों का रियलिटी चेक करने के लिए निकले हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने चेतक ब्रिज से कटारे पेट्रोल पंप के आसपास स्कूल बसों को रोककर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे बस के अंदर चढ़े और चेक किया कि कहीं ज्यादा बच्चों को तो नहीं बैठाया गया है और अच्छे से बसों की हालत देखी। इस दौरान उन्हें 8 से 10 बसों में स्पीड गवर्नर नहीं मिला। इसके साथ ही बसों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। इस दौरान बसों में अनियमितताएं पाए जाने पर 11 बसों का चालान भी बनाया। परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्हें निरीक्षण के दौरान बहुत कमियां नजर आई। कई के पास पर्याप्त कागज नहीं थे, उन्होंने बसों के चालान काटने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। किसी के पास पर्याप्त में कागज नहीं है, तो किसी के पास में फर्स्ट एंड बॉक्स नहीं है। किसी बस में हमने देखा कि वो ये रॉड नहीं है। उनकी बसों के चालान किए गए। तो ये जो जिस भी प्रकार की कमियां बसों में नजर आ रही हैं, उन बसों के चालान भी करने का मैंने बोला हुआ है और खास करके निर्देश भी दिए हैं कि ये चालान करने के साथ साथ जवाबदेही तय होना चाहिए स्कूल के बस मालिकों की भी, और खास करके स्कूल में जिन लोगों की बसें टाई अप हैं। अगर स्कूल की बसें हैं तो उसकी भी जवाबदारी है, और स्कूल में किसी की बसें लगी हुई हैं तो उसकी जवाबदारी है। कुल मिला के हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किसी भी तरीके से मैं समझता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बहुत सारी कमियाँ इन लोगों में हैं, और इस प्रकार की कमियों को दूर करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम परिवहन विभाग का उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी यही कहती है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ मंजूर नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो नॉर्म्स फुलफिल होना ही चाहिए, अगर नहीं होंगे तो इसमें कार्रवाई करने में हम लोग चूकने वाले नहीं। कुल मिलाकर मंत्री जी का अंदाज देखकर लग रहा है कि अब कोई अफसर अपने दफ्तर में बैठकर सिर्फ काम ही नहीं करेगा बल्कि ग्राउंड में उतरकर कामों की हकीकत को भी परखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।